के पीछे जरूर लगे हुए हैं। दारूबाज वो तो राजा को लला 18 गुंडा बगे साथ में, सवेरे निकल जाओ करे गरीबन के गांव में और क्या कर रहे हो? वेदों के मूर्तियों पर गयन के सिर थे, मंदिरों में लोहू बहता था, कुटियों का हरेक स्वतंत्र मुनि काली कोठी में रहता था, कुटियों का हरेक स्वतंत्र मुनि गैया ले जाए मंदिर में, तलवार से मूर्ति काटे मूर्ति पे चढ़ाए दे, और जो संत भगवान अबे दिखाई दे रहे हैं कंठ के जमान में न की हबू ना लगी, सब कंदरा में छुपी है, और एक बात महात्मा कंठ के हत्ते चढ़ी हो ले कांटन बालो डंडा बाने न की चमड़ी उधेड़ी, संतन पर तो दारी को खारू रखाए गए। वेदों के सफे अगिन में थे, शास्त्रों की खोज हो रही थी, दुखिया धरती वैराग्य निमन ब्रह्मा के पास हो रही थी, गाय गरीबन की खोले गर्दन उड़ाई दी, संत भगवान को पीड़ित करे, वेदों को अग्नि में जलान लगो, शास्त्रों की तलाश करन लगो, धरती मैया वैराग्य बन के ब्रह्मा के सामने रोने लगी। रो रही है धरती, दीन बंधु भगवान सुनो दे कान अर्जन कमेरी, दासी मऊ दीना नाथ रे के लगाई गई हो, बिलख रही है के रो रही है। ये बरसाने थे पांच लड़कियां चली दही बेचने को, और जो मथुरा में घुसी कंस 18 गुंडन को ले बाई गली में खड़ो बोला, हे लड़की कौन हो, कहां से आई हो? आगे वाली दोनों लड़कियां बोली, कुमार साहब आपने मुझे पहचान ना पाया, मैं तो बरसाने से रोज ही दही बेचने को आती हूँ। कंस बोला, तुम बरसाने की हो? हाँ। कंस बोला, हमें जानती हो मैं कौन हूँ? आगे वाली दोनों लड़कियां बोली, मैं आपको जानती हूँ, अब महाराज उग्रसेन के युवराज कंस।
कंस बोला एक बात बताओ, तुम पांचों में से कौन कौन की शादी हो गई, कौन कौन कुआरी हो? आगे वाली दोनों लड़कियां बोली, कुमार साहब इन तीन की शादी हुई गई, हम दोनों की शादी नहीं भाई, जैसा बात चलते हैं। ये तीनों लड़कियां कहां पे आई? जवाब दिया गोकुल में। कंस बोला मथुरा के लड़के मर गए जो तुम्हारे बाप ने तुम्हें गोकुल में किया, 18 गुंडों को इशारा दिया, इन तीनों लड़कियों को वृक्ष से बांध दो और चमड़े का हंटर तब तब बरसाओ, इनके शरीर कपड़े का धागा नहीं रहना चाहिए, आवाजें बंद हो जानी चाहिए। मेरे भाइयों, उन कमीनों ने तीनों लड़कियों को वृक्ष से बांध दिया। लड़की आदि झुकी है, ऊपर से जालिम कोड़ा बरसाए रहे, खून की पिचकारी छूटन लगी, कपड़ा फटफट के गिरने लगे, लड़कियां हाया डकरा रही, लेकिन लज्जों को न दया है न हया। जब इनकी आवाजें बंद हो गई, ये लड़के क्यों खड़े हैं? आओ, बहुत जगह पड़ी है बेटा, तुम लोग जो खड़े हो देखो कितनी जगह पड़ी है, आप बैठ जाओ। पढ़े लिखे मालूम पड़ रहे हो, लेकिन खड़े हो गमारों की तरह, बैठ जाओ। ये पांडाल आपके लिए तो बनाई है, गुंडों ने मारना बंद कर दिया। अब वो दोनों कुआरी लड़की कांपन लगी। कंस बोला खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या तक रही, दही वाली मथनियां जमीन पर रखो, अपने सारे शरीर के कपड़े उतारो और छाती के बल कंकड़ों पर चलो। चीखने प्राण निकालिए लोगों, जुल्मों की हद होती है। बेपर्दा करके चलवाना छाती के बल से धरती पर, धरती पर वो याद दृश्य जब आता है, आधार के आते आंसू भर, वो याद दृश्य जब आता है, आधार के आते आंसू भर, वो याद दृश्य जब आता है, आधार के आते। ये हालत कर दी लड़कियों की। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब बरसाने के लोगों को पता लगा कंस ने आज मेरी बेटियों के साथ में बड़ा अभद्र व्यवहार किया, तो एक प्रतिनिधि मंडल सरपंचों का समूह लड़कियों को लेकर उग्रसेन के दरबार में आया और सामने लड़की करके कहने लगी, महाराज तुम्हारा बेटा कंस ये रंग में भंग मिला देगा, देखिए मेरी बेटियों की हालत, क्या राजा के ये धर्म है प्रजा के साथ ये सुलूक करे? और क्या बोले वो सरपंच, राजा वो मर जाए जुल्म है जो जनता पे तोले, और चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले, अमृत में विष घोले भाइयो, अमृत में विष घोले, चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले।
राजा वो मर जाए। धर्म की हत्या करे के बेईमान को पछ बजा दे, बेईमान को पछ बजा दे, बेईमान को पछ बजा दे, धर्म की हत्या करे के बेईमान को पछ बजा दे। ब्राह्मण को मर जाए, वेद को पढ़े न यज्ञ चाबे, और मांस खाए मदरा पीवे और गंडी के घर जावे, राजा के घर जावे, भाई राजा के घर जावे, मांस खाए मदरा पीवे राजा के घर जावे। साधु वो मर जाए, साधु वो मर जाए, पेट भर दे को भेस बना नाथ प्रभु ते जो नहीं पलवर ध्यान लगावे, पलवर ध्यान लगावे, भाइयो पलवर ध्यान लगावे, पलवर ध्यान लगावे। और बताया कथा वाचक वो मरे, ऐसा भागवत कहने वाला भी मर जाए, खावे पुत्र के पराई बहन बेटी मर के कुत्ता हो जावे, तके पराई बहन बेटी मर के कुत्ता हो जावे, सबसे पहले बाय नरक हो ऐसे को बुलवा, मर्द को वो मर जाए, ऐसे मर्द को मर जाना चाहिए, ए मर्द को वो मर जाए
चित चुट गावे और वो औरत वो मर जाए पर आए पति को गले लगावे लगावे ए पति तो घर में दुखी